हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा आप किस तरह से किसी टेक्स्ट या शेप के अंदर अपनी पिक्चर को शो कर सकते हैं। सबसे पहले आपने टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। कोई भी आप टेक्स्ट ले लें, अपने टेक्स्ट टाइप करके उसका साइज़ वगैरह एडजस्ट कर लें, प्रोपरेट कर लें, इसकी हाइट वगैरह सेट कर लें, जितनी आपने करनी हो सारी की सारी सेट कर लें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक सेट करके इसके ले लें। उसका फ़ॉन्ट टाइप, स्टाइल, जो कुछ आपने सेट करना है वो सारा का सारा सेट कर लें। एक इमेज जो बैकग्राउंड इमेज होगा मेरा, वो लेके उस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर लेके आऊँगा। बैकग्राउंड इमेज ऊपर आएगा और टेक्स्ट मेरा नीचे आएगा, राइट क्लिक करके क्लिकिंग वहाँ से डिलीट करूँगा, जिससे वो इमेज होगा मेरे टेक्स्ट के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। मगर मैं इसमें एक शेप भी शो करना चाह रहा हूँ कि शेप के अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले मैं जाऊँगा उसका उसका कस्टम शेप में। कस्टम शेप पे जाके मैं एक बैकग्राउंड लेयर इसलिए ले रहा हूँ कि बैकग्राउंड कलर वाइट फिल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है। मैं अब कस्टम शेप में जाके वहाँ से एक एरोप्लेन की शेप लूँगा, उसे आप सेट करके उस पर शो कर सकते हैं अपने जो भी आपका कैनवास होगा। मैं एरोप्लेन लेके इसे ड्रा कर रहा हूँ और इसमें कलर वगैरह जो फिल करना होगा वो फिल करके इसे अप्रोप्रिएट तौर पर तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे इस पर जाएंगे तो आपने आपने क्या करना है, जो आपका टेक्स्ट और शेप है ना, उनको एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। एक न्यू ग्रुप लेके दोनों को सिलेक्ट करके उस ग्रुप के अंदर कर देना है, ताकि इन दोनों पे हम इकट्ठा क्लिपिंग मास वगैरह अप्लाई कर सकें। अभी ड्रैग करके उसमें ले जाएं ग्रुप में। इमेज टॉप पे या सेम अपने ग्रुप सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास सेलेक्ट करेंगे तो वो शो कर देगा। मैं उसी बैकग्राउंड की इमेज की कॉपी करके उसे ड्रैग करके बॉटम पे ले आ रहा हूँ, ताकि मैं उसे शो कर सकूँ बैक साइड पे भी। और आपने वो जो बैकग्राउंड नीचे वाला लेके आएंगे इमेज, उसकी ओपेसिटी वो आपने लॉक कर, जैसे ही लॉक करेंगे तो आपको एक ट्रांसपेरेंट सा व्यू देना शुरू हो जाएगा, जिससे आप एक ब्यूटीफुल सा उसमें अपना स्केच वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। अभी शेप पे आपने क्या करना है, शेप पे क्लिक करके शेप शो करनी है, एरोप्लेन शो करना है। जैसे मैं शेप लूँगा दोबारा शेप ले रहा हूँ कस्टम एरोप्लेन लेके, उसे ड्रैग करूँगा, उसको कलर वगैरह जो भी फिल करना हो करके उसे ऊपर लेके जाऊँगा, तो शेप
शो होना शुरू हो जाएगी, फिल में जाके इसका कलर फिल करूँगा। तो अब इसे ट्रैक करके अप्रोप्रिएट लोकेशन पर लेके जैसे ही चला जाऊँगा तो उसमें क्लिपिंग वहाँ से वगैरह जनरेट कर देगा, सारा का सारा उसे सेट करके डिस्प्ले कर सकते हैं।